महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है, उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप के ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालिफाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सरकार आज बैठी है कोई अपात्र है, कोई गैर कानूनी है, वो बेकायदेशीर है, तो सरकार बची क्या है? अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो शिंदे फडणवीस इस्तीफा दे देंगे। बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत दिनों से जो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर खराब हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में, एक ब्लेम गेम चल रहा था, रिवेंज गेम चल रहा था, और गंदी आर्ग्यूमेंट्स और गंद वक्तव्य वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से हो रहे थे। तो मुझे विश्वास है अभी वो सब खत्म हो जाएगा और महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र की राजनीति अच्छी तरह से हो जाएगी। और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि भारत इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो नॉर्म्स है, उसके अलावा एक नाबाम रेबिया के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि नाबाम रेबिया के बारे में डिसीजन ये बेंच नहीं ले सकते, उसके लिए लार्जर बेंच के लिए रेफर करना पड़ेगा, और उसके लिए 179 और 180 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में भी एक ऐतिहासिक निर्णय, क्योंकि फिर एक बार पार्लियामेंट को एक नया अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया प्रयोग इस शिंदे सरकार के माध्यम से हुआ है और एक नया एग्जाम्पल भी हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी रीजनल पार्टी है जो परिवार चलाते हैं, उनके लिए भी एक सबक रहेगा, क्योंकि जो परिवार चलाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी पार्टी है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो वैसा नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी उनकी पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पदाधिकारी की पार्टी है। तो आज जो हिस्टोरिकल जो डिसीजन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो पार्टी को सबक मिलेगा, वो परिवार को सबक मिलेगा कि परिवार नहीं है, ये पार्टी यानी कि कार्यकर्ता की पार्टी है। और अगर परिवार विचारों को छोड़ के पार्टी के जो भी डिसीजन है, पार्टी के जो फ्रेमवर्क है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे छोड़ के अपोजिशन के साथ अगर जाती है परिवार, तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर हम समाधान व्यक्त करते हैं। 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस समय इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। किंतु जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेक्यूलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। हम लोग इसके ऊपर विस्तार के साथ 2 बजे बोलेंगे। आज नवी मुंबई आयुक्तालयाच्या अंतर्गत अतिशय चांगला कार्यक्रम झाला। महिलांकरता सावली अशा प्रकारचं एक इमारत जी निर्माण झाली आहे, त्याच्यामध्ये सायबर क्राईमच्या संदर्भातली सायबर लॅब, महिलांकरता समुपदेशन केंद्र, महिलांना डिस्ट्रेसमध्ये असल्यानंतर राहण्याची व्यवस्था, अशा सगळ्या व्यवस्था करण्यात आल्या। त्यासोबत एक निर्भया पथक देखील या ठिकाणी तयार केलेलं आहे, एरटिका गाड्या आणि टू व्हीलर, ज्यातनं महिलांनी कॉल दिल्यानंतर कमीत कमी वेळामध्ये त्या ठिकाणी पोहोचून त्यांना त्यात मदत केली पाहिजे, अशा प्रकारचे सेंटर देखील सुरू झालं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.